साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का आज के टेक्निकल सेशन, फोर्स प्रोजेक्ट टेक्निकल सेशन के अंदर आप सभी मेहमानों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। और ऐसी मैं मंगल कामना करना चाहूँगा कि आज हमें टेक्निकली यहाँ पर बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलने जा रहा है। आप कृपया करके पेन और डायरी लेकर के बैठें ताकि कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनको आप नोट डाउन कर सकें। साथियों समय की विशेष महत्वता को रखते हुए हार्टली वेलकम इन अगेन फोर्स बीओडी प्रोजेक्ट टेक्निकल सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। साथियों आप इस वक्त इंडिया की सबसे नंबर वन टीम, सबसे सफल टीम के वेबिनार में कनेक्ट हैं साथियों। और इस वेबिनार के माध्यम से 400 प्लस करोड़पति यहाँ पर बन चुके हैं और निश्चित रूप से अगले करोड़पति आप भी बनने जा रहे हैं। गलती से मीटिंग से लेफ्ट मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि इस हाउसफुल वेबिनार के अंदर आपको फिर से जगह नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपनी पूरी शिद्दत इबादत से पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो मेरे दोस्त, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जिंदगी के इस सफर में दूर तक चलना चाहते हो तो मेरे दोस्त देर तक चलना बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथियों अब हमारे बीच में आज के जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को इनवाइट करने का समय हो गया है, तो हम उनको डिजिटली मंच पर वेलकम के साथ बुलाना चाहेंगे। द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर सौरभ सुमन सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। हम सभी फैमिली मेंबर्स आपका अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस इंडिया लेवल के मंच पर मोस्ट वेलकम है सर आपका। सौरभ सुमन सर, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? जी जी सर। ओके कंटिन्यू, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, माय सेल्फ सौरभ सुमन फ्रॉम देवघर झारखंड। दोस्तों आज जूम मीटिंग में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का जो वेबिनार है बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और इसके कुछ टेक्निकल तथ्यों के बारे में भी समझेंगे। क्योंकि मुझे मेरे लाइव आने का वजह यही है कि हम लोग आज इसमें ज़रूरत क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कैसे हम लोग इसे पूरा कर पाएंगे, वो चीज़ हम लोग देख पाएंगे। दोस्तों आज जितने भी जूम मीटिंग में जितने भी सदस्य आए हुए हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आज हम लोग टेक्निकली ही सभी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे हम लोग आईडी लगाएंगे, किस करेंसी को हम लोग कैसे खरीदेंगे। दोस्तों आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं नाम है फोर्स। फोर्स फोर्स फोर्स, पूरे भारत में चारों तरफ फोर्स का तहलका मच चुका है। आखिर ऐसा क्यों? सभी लोग फोर्स में आने की बात कर रहे हैं, अपना प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों इसका रीजन यही है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संभावना दिख रही है लोगों को कि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा हम लोग यहाँ पे कमा सकते हैं। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है
वो आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। दोस्तों फोर्स एक तरह से कहें तो हमारे क्रिएटर मिस्टर लाडो सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वाभाविक बात है अगर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो निश्चित तौर पे उनका कोई भी काम कोई भी चीज फोर्स में कमी के साथ नहीं आएगा, पूरी तरीके से फुल्ली पूरा होकर के आएगा, जिससे हम लोग को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक नई टेक्नोलॉजी में हम लोगों को प्रवेश करवाना चाह रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं नाम है फोर्स। फोर्स है क्या? फोर्स 100% डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। ये एक सिस्टम है यानी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे मैट्रिक्स प्लान पे हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे मेटावर्स से हमारा कनेक्शन जुड़ सकता है, NFT के से भी हम लोग जुड़ पाएंगे, NFT पर भी काम कर पाएंगे, गेमिंग प्लेटफॉर्म भी आने वाले समय में आएगा। दोस्तों हम लोग के लिए जो सबसे बड़ा उपहार होगा, गिफ्ट होगा, वो होगा फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन आने वाले समय में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट देने वाला एक साधन होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग टेक्निकल सेशन को शुरू करते हैं। आज मैंने बोर्ड पर कुछ पॉइंट लिख रखा है, ऐसा इसलिए कि आज से 2 दिन पहले मिस्टर लाडो सर का एक नोटिफिकेशन आया कि हम लोग जिस नेटवर्क पे हम लोग काम कर रहे थे उस नेटवर्क से एक ऐसा नेटवर्क है जो इससे भी ज्यादा बेहतर है, उस पे हम लोग काम कर पाएंगे और उसमें काम करने से हमें फायदा क्या है, आज हम लोग इस चीज पे बात करेंगे। दोस्तों हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं फोर्स, फोर्स का जो ब्लॉकचेन होगा वो होगा पॉलीगॉन। ये अभी के समय का सबसे लेटेस्ट, सबसे फास्टेस्ट के समय में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके आया हुआ है। इसका जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत फास्ट है यानी बहुत स्पीड है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नेटवर्क चार्ज लगेगा वो बेहद कम होगा। यानी जैसे अगर पिछले प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पर हम लोग बाइनेंस स्मार्ट चेन का इस्तेमाल किया करते थे और वहां पे लगभग ID लेने में या फिर स्लॉट परचेज करने में हम लोग को $2-3 पे करने होते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ सेकंड में ही हमारा काम हो जाएगा, $0.5 या $0.5 से कम में, बहुत ही कम नेटवर्क फी में हम लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे। यही कारण है कि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। और मैं आपको बता दूं इस पॉलीगॉन नेटवर्क पे, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे बहुत सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक रन कर रहा है। दोस्तों लाडो सर ने जो ये फैसला लिया है ये बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आपको ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि आखिर लाडो सर ने इसका फैसला क्यों लिया। दोस्तों सबसे बड़ा फैसला इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क चार्ज के बारे में कभी भी हम लोगों को सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लगेगा और स्मार्ट चेन से भी बहुत नॉर्मल है। यही कारण है कि पॉलीगॉन नेटवर्क सबसे बेहतर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि फोर्स में ज्वाइनिंग के लिए हमें किस वॉलेट का चयन करना चाहिए, हम लोग कौन से वॉलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोकन पॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारा वॉलेट है लेकिन हम लोग जिस पर काम करते हैं, जिस पर आसानी से आपको आपके अपलाइन सपोर्ट कर सकें, इसलिए बहुत ज़्यादा वॉलेट के का नॉलेज ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग 1-2 वॉलेट 3 वॉलेट 4 वॉलेट के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं तो क्या होगा कि टीम में हम लोग को सपोर्ट करने में बहुत अच्छा लगेगा, फ़ायदा भी होगा कि हम आसानी से उसे सपोर्ट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग
ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटामास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर वॉलेट बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हम लोगों को डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट का चयन करना ही है, क्योंकि उसी में हम लोगों का जो कमाया हुआ धनराशि है, जो कमाया हुआ क्रिप्टो करेंसी है वो आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट इंस्टॉल करना है, उसमें एक अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करते समय जो 12 वर्ड का प्राइवेट की है वो आपको सहेज करके रखना है, क्योंकि अगर वो खो जाएगा तो दिक्कत क्रिएट होगा। इसलिए हम लोगों को अच्छे से वो 12 वर्ड का प्राइवेट की रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। आगे है दोस्तों, फोर्स में ज्वाइनिंग के लिए किस क्वाइन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कौन सा क्वाइन है जिसका हमें जरूरत होगा दोस्तों। इससे पहले जो जितनी भी मीटिंग हो रही थी, अचानक कल जो मीटिंग में आप लोगों को बताया गया होगा कि नेटवर्क यानी हम लोग का जो ब्लॉकचेन है वो बदल गया दोस्तों। ये किसी को हो सकता है कि आप लोग सोचे कि सॉफ्ट कर दिया गया, लेकिन एक खुशखबरी थी, कल ही मिल चुका था सभी को। और आज दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि किस किस क्वाइन से हमारा आईडी क्रिएट होगा और कैसे होगा दोस्तों। यहाँ पर जो हमें करेंसी चाहिए वो चाहिए मैटिक और यूएसडीटी दोस्तों। पॉलीगॉन नेटवर्क का जो करेंसी है उसका नाम है मैटिक, जो अभी वर्तमान में 40 रुपए के आसपास इसका रेट चल रहा है, और जिस पर हमारा प्लान रन करेगा वो होगा यूएसडीटी, जो दुनिया का सबसे मजबूत स्टेबल करेंसी है। यानी आप किसी भी करेंसी एक्सचेंजर ऐप में आप जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यूएसडीटी से ही वो करेंसी को खरीद पाएंगे। यानी किसी भी करेंसी एक्सचेंजर में आप यूएसडीटी के पेयर में किसी भी करेंसी को खरीद सकते हैं। यानी पूरे दुनिया में जितना भी करेंसी एक्सचेंजर ऐप है सभी यूएसडीटी को मान्यता दिए हुए हैं। यही कारण है कि यूएसडीटी दुनिया का सबसे मजबूत स्टेबल करेंसी है। यानी स्टेबल करेंसी कहने का मतलब है कि इसका रेट कभी भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। अमूमन ये 80 रुपए के आसपास रहता है, हो सकता है 2-4 रुपए नीचे हो जाए, हो सकता है 2-4 रुपए ऊपर हो जाए, इतना ही रहता है, यानी 5-10 रुपए का ही फासला रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर रेट का बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला, यानी हम लोगों का जो प्लान है वो स्टेबल होगा दोस्तों। अगर पिछले प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पर हम लोग का जो प्लान था वो BUSD पे था। मैं ऐसा पिछले प्लान प्रोजेक्ट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों के पास BUSD पहले से खरीदा हुआ है और उनको अभी चेंज करके हमें USDT में लाना है, इसलिए मैं पिछले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। यहां पर हम लोग का जो प्रोजेक्ट था वो था BUSD में, और जो नेटवर्क चार्ज था, नेटवर्क फी जो कटता था वो BSC यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी BNB के रूप में था दोस्तों। हमारा जो प्लान था वो स्टेबल था पिछला प्रोजेक्ट भी, और स्मार्ट चेन यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन से हमारा नेटवर्क फी कटता था। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें तो यहां पर जो हमारा प्लान होगा वो USDT का होगा, यानी ये भी एक स्टेबल करेंसी है और सबसे मजबूत स्टेबल करेंसी है। और जो हमारा नेटवर्क चार्ज कटेगा वो कटेगा मैटिक से, यानी यूएस जो हमारा स्लॉट अपग्रेड होगा, हमारी जो ज्वाइनिंग लगेगी वो लगेगा यूएसडीटी से, और मैटिक से हमारा नेटवर्क चार्ज यानी गैस प्राइस, गैस फी जिसको बोला जाता है, वो कटेगा दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहें तो बकायदा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप याद नहीं रख सकते, इन्हीं को बताना है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट करने से आप उसे याद आसानी से रख पाएंगे। यानी हमारा जो प्लान होगा वो होगा यूएसडीटी में, और मैटिक से हमारा नेटवर्क चार्ज कटेगा। दोस्तों यहां पर हमें अब सिर्फ और सिर्फ मैटिक रखना है और USDT रखना है। लेकिन दोस्तों हमेशा हमें इस नेटवर्क को याद रखना है, उनका कोई नहीं है दोस्तों, किन्हीं भी
वो होस्ट का अगर माइक ऑन हो जाता है तो कृपया उसे ऑफ कर दें। बट मुझे वो लाइक सौरभ सर आपका आवाज बंद हो गया है, स्पीकर आपकी भी बंद हो गई। दोस्तों कुछ को होस्ट ऐसा काम कर जाते हैं जो दिक्कत हो जाती है बीच में। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को मैटिक और यूएसडीटी रखना है और उसी से काम करना है। दोस्तों मैं अभी आप लोगों के सामने दो वीडियो प्ले करूंगा स्क्रीन शेयर करके। उस दोनों वीडियो में मैंने इसलिए उस दोनों वीडियो को बनाया है कि आप लोग आसानी से उसे देख पाएं और समझ पाएं कि हमें ट्रस्ट वैलेट में क्या करना है, ट्रस्ट वैलेट में किस करेंसी को इनेबल करना है और बाइनेंस एक्सचेंजर से इसे परचेज करके कैसे ले आएंगे। दोस्तों ये वीडियो इसलिए मुझे बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था कि सर मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए। तो हम लोगों ने फैसला लिया कि क्यों ना इसे आप लोग के सामने जूम मीटिंग में ही बता दिया जाए, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ पाएंगे, सरल भाषा में है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आपको ये वीडियो आपको मिल सकता है, मैं बाद में बताऊंगा कहाँ से। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। कोई बताएंगे सर स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? यस सर हो रहा है, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। दोस्तों अभी जो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं वो है ट्रस्ट वैलेट में हमें इनेबल करना है। दोस्तों सबसे पहले हमें जानना है कि फोर्स में ज्वाइनिंग करने के लिए यानी ज्वाइनिंग लगाने के लिए हमें एक क्रिप्टो वैलेट की आवश्यकता है। दोस्तों क्रिप्टो वैलेट हमें इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास ट्रस्ट वैलेट है और मैंने ट्रस्ट वैलेट को खोला। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। मैंने पहले प्रोजेक्ट में जो काम किया था वो BNB स्मार्ट चेन से चलता था और बाइनेंस BUSD से चलता था। शायद आपके पास पुराने वैलेट होंगे या फिर आप नया वैलेट करके उसमें इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होगी वो USDT से होगी और जो नेटवर्क होगा वो पॉलीगॉन का होगा, जो जिसका जो करेंसी होता है वो है मैटिक। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ट्रस्ट वैलेट, अगर पुराना है तो ट्रस्ट वैलेट को अपडेट कर देंगे और नीचे जस्ट नीचे लिखा हुआ है एड टोकन्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम लोग के पास यहाँ पे सर्च टोकन के रूप में ऊपर दिया गया है कि सर्च करना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैटिक MATIC। जैसे ही मैंने मैटिक लिखा यहाँ पर ऊपर पे पॉलीगॉन मैटिक आया, नीचे वेन्यू मैटिक करके आया हुआ है जो BP20 नेटवर्क दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जितने भी करेंसी हैं जो आपने सर्च किया है उसके नीचे उसका ब्लॉकचेन लिखा होता है और यहाँ सबसे ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं, चूँकि पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन ही है, यही कारण है कि यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक लिखा हुआ है। इसे हम लोग इनेबल कर देंगे और हम लोग बैक जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पॉलीगॉन का एक वैलेट इनेबल हो गया, करेंसी इनेबल हो गया। दोस्तों दूसरा जो करेंसी है वो है USDT। दोस्तों जैसे ही USDT हम लोग सर्च करेंगे ना तो इसमें बहुत सारा नेटवर्क सपोर्ट करता है, यही कारण है बहुत सारा नेटवर्क इसमें आएगा, लेकिन हम लोगों को चाहिए पॉलीगॉन नेटवर्क। यही कारण है दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं POS USDT लिखा हुआ है, जिसके नीचे नेटवर्क लिखा हुआ है पॉलीगॉन। यहाँ पे हम लोग पॉलीगॉन वाला नेटवर्क वाला जो USDT है उसे इनेबल कर देंगे और इनेबल करने के साथ ही हम लोग जब बैक जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे दोनों यानी जहाँ से हमारा नेटवर्क चार्ज कटेगा वो करेंसी
और जिससे हमारा स्लॉट अपग्रेड होगा यानी USDT वो हमारा करेंसी वॉलेट में दिखने लगेगा। अभी हम लोग आगे जस्ट आगे देखेंगे कि बाइनेंस एक्सचेंजर से हम लोग कैसे इसे मैटिक को ख़रीद के यहाँ लाएंगे और स्वाइप करेंगे। दोस्तों इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और दूसरा वीडियो मैं जो शुरू करूँगा वो होगा बाइनेंस एक्सचेंजर के ऊपर जहाँ पर हम लोगों को मैटिक खरीदना है। थैंक यू। ओके सर, अभी जो मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है, कंटिन्यू करें। सर अभी जो हम लोगों ने देखा कि ट्रस्ट वॉलेट में कौन सा करेंसी हमें इनेबल करना है और कैसे करना है, क्या टाइप करना है और क्या चीज देख करके हम लोगों को इनेबल करना है, वो चीज था। और अब जो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग वीडियो देख रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वो है बाइनेंस एक्सचेंजर से हम लोग परचेस कैसे करेंगे मैटिक करेंसी को और ट्रस्ट वॉलेट में ला करके उसे स्वाइप करके USDT कैसे बनाएंगे। दोस्तों मैं फिर से प्ले करने जा रहा हूं इसे गौर से। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि हम लोग मैटिक को कैसे खरीद सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंजर पर। दोस्तों यहां पर बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड हैं जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अभी पहली बार देख रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा खरीद बिक्री नहीं किए हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इसे आपको बहुत ही गौर से समझना चाहिए। आपको कॉपी कलम ले करके बैठना चाहिए क्योंकि आपको अगर प्रोसेस लिखना है तो आप प्रोसेस भी लिख पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बाइनेंस एक्सचेंजर को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और वहाँ पर जा करके बाइनेंस एक्सचेंजर में अपना KYC अपलोड करेंगे। KYC अपलोड होने के बाद जो प्रोसेस है, चूँकि KYC अपलोड करने का अगर मैं वीडियो इसमें इंक्लूड करूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि आप अगर KYC करना नहीं जानते हैं और करना चाहते हैं तो YouTube पे बहुत सारा वीडियो है, आप उसे देख करके आगे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बाइनेंस पे खरीदने के लिए सिखाना चाहता हूं कि कैसे हम लोग खरीद करके लाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बाइनेंस एक्सचेंजर को ओपन करेंगे और यहां पे हम लोग इस तरह से होम स्क्रीन आएगा और दोस्तों यहां पे हम लोगों के पास जो एक ऑप्शन है वो है P2P ट्रेडिंग। दोस्तों बीच में P2P ट्रेडिंग आप देख सकते हैं। P2P ट्रेडिंग दो जगह से आता है लेकिन यहाँ पे चूंकि होम पेज में है इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे हम लोग पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन हम लोग खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ठीक बाय के नीचे USDT लिखा हुआ है, BTC लिखा हुआ है, BUSD लिखा हुआ है, BNB लिखा हुआ है, यानी कि ये जितना भी करेंसी है वो हम लोग सीधे बेचने वाले यानी सेलर से हम लोग बाय कर सकते हैं, यानी यहाँ पर उसका ऑर्डर लगा हुआ है। दोस्तों हम लोग को मैटिक चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट मैटिक पे हम मैंने टच कर दिया और यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि बहुत सारा सेलर जो है बैठा हुआ है और जैसे सबसे पहला जो सेलर है वो हमारे पास जो रेट दिया हुआ है वो 36.63 रुपीज़ का दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप कितने का ख़रीद रहे हैं ये आपको बहुत ध्यान से देखना है और कितने का लिमिट उन्होंने दे रखा है। जैसे कि पहला जो सेलर है उसने 10,000 रुपये की लिमिट दे रखी है और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10,989.80 रुपये का, यानी कि उनके पास उतना ही है। यही कारण है कि 10,000 रुपये से नीचे वो नहीं लेंगे। अगर सपोज करिए मुझे 2,000 रुपये का चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे उसका जो लिमिट है वो देखेंगे कि किनके नीचे जो है लिमिट हमारा 2,000 रुपये का है या 5,000 रुपये का है, जितना का मुझे ख़रीदना है मिनिमम उतना लिमिट होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको दिखाऊं 39 रुपीज़ पे एक सेलर ने सेल लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने जो ऑप्शन दिया है पेमेंट का वो है UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, बैंक ट्रांसफ़र, जो इंडियन बैंक हो वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय पर चूँकि इसका जो लिमिट है वो 1,000 का है और मैं आपको यहाँ पे 2,000 का ख़रीद के दिखाता हूँ, बाय पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीधे हम लोग 2,000 रुपये टाइप कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग P2P करते हैं उसमें बाय का जो फी होता है वो 0 होता है, यानी जो सेलर ने रेट रखा है उतना मुझे पे करना है। यानी यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन आया वो है मेक पेमेंट, यानी मेक पेमेंट पे जाके मैंने पेमेंट किया, यानी मुझे क्या चीज़ पे भेजना है
उसका आ गया पूरा डिटेल्स। दोस्तों मैं मुझे यूपीआई चाहिए था इसलिए मैंने यूपीआई को टच कर दिया। दोस्तों मेरे सामने यूपीआई का ऑप्शन आ गया है, यहाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ और सीधे इसे मिनिमाइज करके मैं पे फ़ोन पे जा रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे गूगल पे भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ दोस्तों मैं आपके सामने इसे ट्रांसफ़र कर दूँ। यहाँ पे मुझे यूपीआई ऐड करना है, वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसे निकनेम में सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने इसे सेव कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे अमाउंट मैं डाल रहा हूँ, 2000 रुपये मैंने डाला और इसे सेंड किया। दोस्तों यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड, दोस्तों ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। दोस्तों यहाँ पे व्यू डिटेल्स के बाद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हमें अगर ज़रूरत पड़ेगा चैटिंग में स्क्रीनशॉट देने का तो हम लोग दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने उस सेलर के पास जो सेल कर रहे हैं उनको मैंने पेमेंट डाल दिया है। अब मैं जो मिनिमाइज़ करके रखा हुआ था मैंने बैलेंस को, दोस्तों यहाँ पर जो एक ऑप्शन है नीचे पीला कलर में ट्रांसफर्ड, यानी क्या मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, नोटिफाई सेलर, यानी कि मैंने नोटिफाई कर, मैं मुझे नोटिफाई करना है सेलर को कि मैंने भाई ट्रांसफ़र कर दिया, आप मुझे दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने उसे ओके किया वैसे ही यहाँ पे हमारा टाइमिंग चलना स्टार्ट हुआ, यानी कि 11 मिनट, यानी टोटल 12 मिनट दिया गया था, जो अभी वर्तमान में 11 मिनट 13 सेकेंड 12 सेकेंड चल रहा है। यानी इतने टाइम में सेलर मुझे दे देगा मेरी करेंसी। वो अगर ऑनलाइन है तो मुझे जल्दी मिल जाएगा, अगर वो थोड़ी देर लगता है यानी ये जो टाइम है उस टाइम में उसे देना ही है, यही कारण है कि वो उसे अपडेट रहना होता है। अगर मुझे ज़रूरत हो तो हम लोग क्या करेंगे, चैट कर सकते हैं। ऊपर पे एक चैट का ऑप्शन है, सपोज करिए मुझे उसे बताना है कि मैंने आपको पेमेंट दे दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चैट जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोटो पे जाएंगे। मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है, इस स्क्रीनशॉट को मैं उसे सेंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे अगर कभी भी प्रॉब्लम होगा तो इस स्क्रीनशॉट से मैं सामने रिपोर्ट कर पाऊँगा कि मैंने उसे पेमेंट कर दिया है और सही समय पे किया है। क्योंकि दोस्तों बैलेंस में टाइम का बहुत ख्याल रखा जाता है, इस तरह से हम लोग रिपोर्ट मैसेज से चैट कर सकते हैं कि भाई मैंने आपको पेमेंट दे दिया है। हम वेट करते हैं सेलर का, वो हमें करेंसी देंगे। दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं मेरा जो मैटिक था यानी मेरी जो करेंसी थी वो पूरा हो चुका है, सेलर ने मुझे दे दिया है। यहाँ पे हम लोग डन करेंगे और सीधे हम लोग चले आएंगे थोड़ा बैक, और यहाँ पे हम लोग वैलेट पे, नीचे वैलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग वैलेट पे जाएंगे और ओवरव्यू हम लोग देख पा रहे हैं कि फंडिंग में हमारा फंड है, यानी फंडिंग में जाना है। वहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो करेंसी है वो मैटिक के रूप में उपलब्ध है। अब हम लोग इसे ट्रस्ट वैलेट में ट्रांसफ़र करना है, हम लोगों को कैसे करना है मैं अभी आप लोगों को सीधे लेके जाता हूँ ट्रस्ट वैलेट पे। दोस्तों मैं ट्रस्ट वैलेट को मैंने खोला और यहाँ पे जो हमारा मैटिक है उसे टच करके रिसीव को टच करूँगा। यहाँ पर एक QR कोड आया है और नीचे कॉपी का ऑप्शन दिया है, हम लोगों ने कॉपी कर लिया है। बाइनेंस पे मैं जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे विड्रॉवल पे टच करेंगे, विड्रॉ पे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मैटिक निकालना है, हम लोगों को मैटिक है हम लोगों के पास, मैटिक को टच करेंगे और सेंड वायर नेटवर्क को टच करेंगे और यहाँ पर
एड्रेस मांगा जाएगा जो मैंने पहले ही कॉपी कर रखा है, उसे मैं पेस्ट कर देता हूं। और दोस्तों जो सेकंड स्टेप है उसका है वो है नेटवर्क का। दोस्तों जैसे ही हम लोग इसे क्लिक करेंगे यहां पे हमारे पास तीन नेटवर्क का ऑप्शन आएगा, यानी BP20, पॉलीगॉन और इथेरियम यानी ERC20। दोस्तों हम लोग को पॉलीगॉन ही चाहिए और आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि बहुत कम चार्ज है, यानी कि ₹3.28 अभी पड़ेंगे जो मैं मैटिक निकाल रहा हूं। दोस्तों मैंने इसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया है और कंफर्म किया। दोस्तों मुझे जितना निकालना है, यानी अगर टोटल निकालना है तो मैक्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहां पे फंडिंग वैलेट में है इसलिए फंडिंग वैलेट पे क्लिक किया हुआ है। दोस्तों विड्रॉल पे हम लोग टच करेंगे और इसे कंफर्म कर देंगे। दोस्तों यहां पे सेंड कोड करना होता है, फ़ोन पे भी मैसेज आएगा और मेल पे भी आएगा। जैसे ही हम लोग सेंड कोड को क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे मोबाइल का मैसेज आ चुका है, और यहाँ पे मैंने मोबाइल का दे दिया। उसके बाद मैंने मेल को खोला और यहाँ पे मेल के लिए ये आया हुआ है, इसे मैंने कॉपी किया और केयरफुली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सबमिट किया। दोस्तों यहाँ पे मैं हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अगर मुझे ट्रांजैक्शन देखने हैं तो व्यू हिस्ट्री करके देख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो प्रोसेसिंग दिख रहा है 0/128, यानी कि ये प्रोसेस है, ब्लॉकचेन इतना कंप्लीट होता है और उसके बाद आपके पास यानी ट्रस्ट वॉलेट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम लोग खोलते हैं दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट। यहाँ पे हमें मिनिमाइज़ करके ट्रस्ट वॉलेट पे जाना है और ट्रस्ट वॉलेट में हम लोग देखते हैं कि पहुँचा कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग के पास रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, थोड़ा वक्त लगेगा, हमें इंतज़ार करना है। दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास पॉलीगॉन के रूप में 51.18/2051 मैटिक आ चुका है और हमें यहाँ पर इसे यानी पॉलीगॉन को नेटवर्क फी के लिए रखना है। और जो हमारा स्लॉट अपग्रेड होगा वो होगा USDT में। दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग स्वाइप करेंगे। दोस्तों ऊपर पे स्वाइप का ऑप्शन है, इसे टच कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही सर्च करके रखा हुआ था जिसके वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पास अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो आप इसे सर्च करके ला सकते हैं। दोस्तों हमारे पास चूँकि मैटिक है और उसे मुझे USDT में लाना है, तो यहाँ पे जब हम लोग USDT को सर्च करेंगे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे हमारा पॉलीगॉन लिखा हुआ है उसी को मैंने टच किया है। दोस्तों स्वाइप करने में आप हमेशा ध्यान रखें कि जो करेंसी आपके पास है वो ऊपर रहेगा और जो करेंसी आपको चाहिए यानी कि जो आपने पे किया, यहाँ पे लिखा हुआ है यू पे यानी आपने पे किया यानी आपके पास वर्तमान में है, और नीचे लिखा हुआ यू गेट यानी आपको